हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि पैसे निकालने का फॉर्म किस तरीके से भरते हैं, ठीक है। और इस फॉर्म को अच्छे तरीके से भरेंगे और इस फॉर्म के साथ जो है आप पासबुक ज़रूर ले जाएं, वरना पैसे नहीं निकलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, ये बचत बैंक निकासी आदेश फॉर्म चेक नहीं है। इस फॉर्म के साथ पासबुक रहना अनिवार्य है, अन्यथा भुगतान प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर जगह देख रहे हैं, यहाँ पर आप ब्रांच देख देंगे, ब्रांच जो भी आपकी ब्रांच है। तो यहाँ पर मेरी ब्रांच यमुना विहार है, तो मैं यहाँ यमुना विहार लिख दूंगा। जो भी आपकी ब्रांच हो यहाँ पर फिल कर दें। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे जिस डेट को भी आप पैसे निकाल लें। तो यहाँ पर 24/9/2024, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, नीचे की तरफ यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको शब्दों में यहाँ पर जितने भी अमाउंट निकलवा रहे हैं वो यहाँ पर लिख दें। जैसे कि मैं यहाँ पर 20,000 रुपये निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 20,000, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओनली, ठीक है। उसके बाद इस तरह से कर देंगे, यहाँ पर आप इसमें लिख देंगे 20,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे जो भी आपका साइन है। उसके बाद यहाँ पर जो है एंड डेबिट द अमाउंट टू माई आवर अबू सेविंग अकाउंट। अगर आप ये पैसा दूसरे अकाउंट में डलवाना चाहते हो तो यहाँ पर अकाउंट नंबर यहाँ लिख सकते हैं, उस अकाउंट में आपके ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर आपने लाइन लगा रखी है तो यहाँ पर टोकन नंबर होगा, तो टोकन नंबर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये ऑफिसर का काम है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जस्ट इसके साथ आप जाएंगे स्लिप लेकर, और इसके साथ जो है आप पासबुक ज़रूर लेकर जाएं, पासबुक ले जाएंगे और आपको ये पैसे निकाल कर दे देंगे। अगर आप यहाँ पर 50,000 रुपये निकलवाना चाहते हैं, 49,000 से ऊपर यानी कि 50,000, तो आप इसके साथ जो है पासबुक और क्या कहते हैं पैन कार्ड ज़रूर ले जाएँ, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ।